गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। माइनॉरिटी कंसर्न के बिहाफ पर आफ्ता मुगल और हमारी सारी टीम की जानब से आज के प्रोग्राम में तमाम मेहमानों को और नाज़रीन को खुशामदीद। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अकलीती हकूक पर खबरें शाया करता है, साथ ही साथ हम मुख्तलिफ मौजूआत पर हफ्तावार वेबिनार्स भी मुनक्किद करते हैं। आज के प्रोग्राम का मौजू है ईस्टर का पैगाम। आज के मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से पास्टर अरशद सलीम, जो अभी उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया, शायद थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। गुजरावाला से रेवरेंट इमैनुअल नईम साहब, फैसलाबाद से पास्टर एमरिक जोसेफ साहब और लाहौर ही से रेवरेंट तारिक वाले साहब। हम इस प्रोग्राम में उन्हें खुश आमदेद कहते हैं और उनकी शिरकत के लिए हम उनके ममनून हैं। आज का प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव पेश किया जा रहा है, नाज़रीन हमारे फेसबुक पेज पर उसे राह-ए-रास्त देख सकते हैं। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कल माइनॉरिटी कंसर्न के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की जाएगी। हमारे साथ राब्ता रखने के लिए जो साथी हमसे राब्ता करना चाहें वो हमारे फेसबुक पेज पर मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम की निजामत हमारे साथी जनाब नईम वाज साहब करेंगे। नईम वाज एक मुतहर्रिक समाजी शख्सियत होने के साथ साथ सहाफी, अदीब और शायर भी हैं। आपकी तहरीरें इंसानी दुखों के इजहार के साथ साथ उम्मीद और रोशनी भी दिखाती हैं। आप स्पीकर और क्रिश्चियन टाइम्स के लंदन में ब्यूरो चीफ होने के साथ साथ तक्वा के साथी मुंसलिक हैं। माजी में भी आप बहुत से जायद के साथ आपका ताल्लुक रहा, जिनमें काबिले जिक्र मंथली आफ्ताब, फोर्टनाइटली शोए नूर और सहर फोर्टनाइटली शामिल है। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू सर। नहीं बात साहब जी, बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगल साहब। सबसे पहले तो कम्युनिटी के लिए आपकी खिदमत के हवाले आपका बहुत शुक्रिया। आप अपने चैनल के जरिए और अपने अखबार के लिए अखबार की वसातत से आप माइनॉरिटीज के लिए बहुत खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और ये आज से नहीं है बल्कि अरसा दराज से। जब आप टीन एज में थे मैं उस वक्त से आपको जानता हूँ और आप इसी काम में मुसलसल लगे हुए हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया। जैसा कि अभी आफ्ताब साहब ने बताया कि हमारा आज का जो मौजू है वो है ईस्टर का पैगाम। तो ईस्टर के हवाले से जो मेरा पहला सवाल होगा, इसमें हम दो से तीन मिनट, तीन राउंड होंगे इसके, तो दो से तीन मिनट के दरमियान हम कोशिश करेंगे कि अपना जवाब जो है वो दे दें। जरूरत पड़ने पर थोड़ा टाइम और भी दिया जा सकता है। तो सर मेरा जो सवाल है पहला कि पाकिस्तानी मसीही जो हैं, पाकिस्तान में जो मसीही आबाद हैं, उनकी जिंदगियों में ईस्टर क्या मायने रखता है? तो इसके लिए सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ पास्टर एमरिक जोसेफ, आप फैसलाबाद से हैं और फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च के आप इंचार्ज भी हैं। तो जी पास्टर एरिक साहब। अनम्यूट कर ले, माइक गालबन आपका बंद है। पास्टर एमरिक जोसेफ साहब, चलें इसी सवाल को लेके हम पादरी तारिक वारिस साहब की तरफ जाते हैं कि ईस्टर की क्या अहमियत है पाकिस्तानी मसीहों की जिंदगी में। जी पादरी तारिक साहब जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करूंगा एफजीए बाइबल सेमिनरी की तरफ से माइनॉरिटी कंसर्न यूके को, आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल साहिब को, कि वो वक्तन फवक्तन ऐसी इल्मी और
जो है समाजी और इलाहियाती नशिस्तों का एहतमाम करते हैं। और नईम भाई साहब, आपसे भी मिलकर बड़ी खुशी हुई। मेरी याददाश्त के मुताबिक हमारी ये पहली मीटिंग है, तो थैंक यू। माजरत के साहब, मैं आपका तारफ करवाना भूल गया, अगर आप मुनासिब समझे थोड़ा सा खुद ही अपने बारे में बता दें। अच्छा जी, मेरा नाम तारिक वारिस है और मैं लाहौर में FGA बाइबल सेमिनरी में बतौर प्रिंसिपल डेजिग्नेट खिदमत करता हूँ, और मैं न्यू टेस्टामेंट स्टडीज और अपोलोजेटिक्स के शोबे में तालिब इल्म भी हूँ और तालीम भी देता हूँ, और टीचिंग प्रीचिंग राइटिंग इस शोबे से मेरा ताल्लुक है। और आपके जनाब हिजरत किए हुए मुल्क इंग्लिस्तान में मुझे 2007 तक 2012 में तालीम हासिल करने का मौका मिला, और 2012 अक्टूबर में मैं वापस आया, तो तब से फिर पाकिस्तान में ही काम कर रहे हैं। ईस्टर पाकिस्तानी मसीहियों के लिए क्या मानी रखता है? इसकी बड़ी डायमेंशंस हैं, मैं सिर्फ एक पर फोकस करूंगा। जब 1980 में कोल्ड वॉर भी चल रही थी, तो उस सारे जमाने को ना दुनिया में मुफक्करीन ने कहा एज ऑफ एंग्जाइटी, परेशानी का जमाना। फिर वो जो है सोवियत यूनियन का जब ब्रेकअप हुआ, तो उन्होंने कहा कि अब दुनिया में एक नए दौर का आगाज हुआ है जिसमें खुशहाली और जो है तरक्की हमारा मुस्तकबिल है। लेकिन रिसेंटली मगरबी ममालिक में जब सर्वे किए गए हैं, तो उसमें नजर ये सामने आया है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस और मुस्तकबिल के बारे में ना उम्मीदी जो है मगरबी ममालिक में तमाम तर तरक्की के बावजूद फैल रही है। लोग मुस्तकबिल के बारे में खौफ का शिकार हैं। अब जब हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान में आते हैं, जहां मसीही लोग अकलियत में हैं, तो यहाँ तो हालात उससे भी बुरे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआशी अबतरी है वो अपने अरूज पर है। महंगाई इस कदर ज्यादा है कि वो शय जिसकी कीमत चंद माह पहले 30 रुपए थी, अब वो 70 रुपए या 100 रुपए हो चुकी है। प्रैक्टिकली लोगों की जो तनख्वाहें हैं ना, वो 30% या 50% कम हो गई। सियासी अदम इस्तेहकाम है, दहशतगर्दी है, ना उम्मीदी है। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में माइनॉरिटीज खुद को और भी ज्यादा कमजोर और इनसिक्योर महसूस करती हैं। तो ईस्टर का जो पैगाम है पाकिस्तानी मसीहियों के लिए खसूस तौर पर और दुनिया के तमाम इंसानों के लिए अमूमी तौर पर, वो है एक नई और जिंदा उम्मीद का पैगाम। खुदावंद यसु मसीह के खिलाफ एक झूठा मुकदमा चलाया गया, आपको अपने ही दोस्तों की तरफ से बेवफाई का सामना करना पड़ा, आपकी अपनी ही कम्युनिटी के यहूदी मजहबी लीडरों ने आपको गिरफ्तार करवाया, उस दौर की सुपर पावर रोमन एम्पायर के गवर्नर और उसके जो अहलकार हैं उन्होंने आपको मसलूब किया, और जब आपने सलीब पर बेबसी, दर्द और तकलीफ और तशद्दुद के नतीजे में जान दे दी, तो उन्होंने समझा कि खुदावंद यीशु मसीह के मिशन का खात्मा हो गया है। लेकिन आपका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना एक नई जिंदगी और एक नई फतह के पैगाम के साथ जो है वो वाकया रूनमा हुआ। और यहां मैं ये बयान करता जाऊं, वक्त महदूद है, कि खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना एक हिस्टोरिकल इवेंट भी था, एक तारीखी वाकया भी था, और उसमें थियोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली इलाहियाती तौर पर और रूहानी तौर पर हमारे लिए एक नई उम्मीद, एक जिंदा उम्मीद का पैगाम भी है कि हमारा मुस्तकबिल हालात की अबतरी के बावजूद, इम्तियाजी कवानीन के बावजूद, मुआशी बदहाली के बावजूद, सलामती के खतरात के बावजूद जो है गुर्बत, नाखांदगी, बेरोजगारी और गुनाह की गिरफ्त में फंसे हुए इंसानों की मुश्किलात के बावजूद वी हैव अ होपफुल फ्यूचर। हमारा मुस्तकबिल उम्मीद से भरा हुआ है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने
शैतान गुनाह और मौत पर फतह पाकर हमें उम्मीद दी, और वो उम्मीद जो जिंदा उम्मीद है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। यूनानी जुबान में उम्मीद के लिए नेहदनामे में लफ्ज एल्पिस इस्तेमाल हुआ है, जिसका लुगवी तर्जमा महज कोई विश, हसरत या ख्वाहिश नहीं है, बल्कि अश्योर्ड होप, यकीन पर मबनी उम्मीद, तसल्ली और जो है यकीन दहानी है। तो मैं समझता हूं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईस्टर मैसेजेस दैट क्रिश्चियन माइनॉरिटी इन पाकिस्तान कैन हैंग ऑन टू, दैट बिकॉज जीसस इज अलाइव We have a living hope for the now and for the future. जी जी बहुत शुक्रिया पादरी साहब, आपने बताया कि और बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि ईस्टर का पैगाम जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के मसीहों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया के मसीहों के साथ साथ सबके लिए फतह का और उम्मीद का पैगाम है। आपका बहुत शुक्रिया। हम अपने दूसरे मेहमान की तरफ यही सवाल लेके चलते हैं। पास्टर एमरिक साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? एमरिक जोसेफ साहिब, आफ्ताब साहब वो चले गए हैं क्या? नहीं नहीं, वो स्क्रीन पे साहब अनम्यूट करें खुद, कर लिया। मेरी आवाज जी जी पादी साहब। हाँ जी, तो सर आपके लिए वही सवाल है जो पहले रखा था कि जो ईस्टर का त्योहार है ये पाकिस्तानी मसीहों की जिंदगियों के लिए क्या मानी रखता है, और काइंडली थोड़ा सा अपने बारे में बताते चलिए और उसके बाद। पादरी अमरिक जोसेफ फैसलाबाद पाकिस्तान से हूँ, और हमारा चर्च शहर के बीच में है और काफी 130 साल से शहर में हम खिदमत कर रहे हैं, और काफी बड़ा चर्च है और खुदा का शुक्र है इसके लिए, खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। बाकी जहां तक ईस्टर की बात है या ईद कयामतुल मसीह की बात है, मैं इस बात को समझा हूं जब से मैं खिदमत में आया हूं कि लोग एक तो क्रिसमस जो है वो कमर्शियल है पूरी दुनिया में, उसकी बड़ी वैल्यू हो गई है, और बहुत से लोगों को ईस्टर के बारे में नहीं ज्यादा पता था। अभी मेरे साथ कई लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते थे कि हमें ईस्टर का नहीं पता था, हम उस दिन भी काम शाम ही करते थे या कभी रात को गिरजे चले गए, लेकिन अब हमें कुछ पता चला। ये तो बात है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में या हमारे माशरे में इसकी क्या अहमियत है, क्रिसमस की अहमियत इससे ज्यादा समझी जाती थी और ईस्टर की कम। हालांकि ये ईस्टर से बहुत बड़ी ईद है कि इस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। बाकी बात यह है कि मसीहत कब्र से शुरू हुई है, मसीहत लहू से शुरू हुई है, मसीहत उस जगह से शुरू हुई है जहां सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। उस दिन जो वाकया हुआ था वो दुनिया की तारीख में एक बड़ा वाकया है। यीशु जिस दिन मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, उस दिन दुनिया में तीन बड़े काम हुए। पहला काम तो ये था कि यीशु जिस काम को अंजाम देने के लिए आया था, जिस मकसद के लिए बाप ने उसे भेजा था, वो ये था कि वो शैतान के कामों को मिटाए। उसका पहला काम ये था। और जब यीशु 30 साल का हुआ तो उसने पहला काम ये किया कि उसने इबलीस का जाके जंगल में बियाबान में गया और मुकाबला किया, फिर यीशु इबलीस को शिकस्त देता है। ये पहला काम करने के ये बाप ने उसे भेजा था। और दूसरा काम जो करने के लिए, पहला काम तो करने के लिए यीशु ने कर दिया, दूसरा काम यीशु ये करने के लिए आया था कि वो इबलीस के कामों को मिटाने के बाद गुनाह को शिकस्त देने के लिए आया था। और यीशु ने फलस्तीन के मुल्क में यूं अपना बाजू खड़ा किया और उसने ऐलान किया कि कौन है तुम जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। यीशु ने मौत से पहले गुनाह को शिकस्त दी, यीशु ने गुनाह के जोर को तोड़ दिया, क्योंकि कलाम में लिखा कि गुनाह की मजदूरी मौत है। और तीसरा और बड़ा काम जो यीशु ने उस दिन किया, वो जब यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो इसलिए मैं कहता हूं कि मसीहत कब्र से शुरू हुई है, जहां चीजें खत्म हो जाती हैं, जहां चीजों का खात्मा होता है वहां से जिंदगी शुरू होती है। और लोग समझते थे कि वो कब्र में गया यीशु और अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन
जब यसु कब्र में गया तो उसके बाद सब कुछ शुरू हुआ, नई जिंदगी आई, गुनाहों का जोर टूट गया, टूट गया। इससे पहले कभी किसी ने इस तरह इब्लीस का मुकाबला नहीं किया जिस तरह यसु ने किया। इससे पहले कभी किसी ने मुर्दों को जिंदा इस तरह नहीं किया जिस तरह यसु के सलीब पर चढ़ने के वसीले से हम देखते हैं। कलाम मुकदस में लिखा, कब्रें फट गई, चट्टानें तिड़ गई और बहुत से मुर्दे जिंदा हो गए और मुकदस शहर को गए और लोगों को दिखाई भी दिया। तो इससे पहले हमारे यहाँ जलजले आते हैं, लोग मरते हैं। जब यसु की सलीब पर जलजले आए हैं तो जिंदगी आई है। यसु असल में जिंदगी देने के लिए इसी काम के लिए आया था कि उसके पास हमेशा की जिंदगी है। और हमारे पास ईस्टर के इस मौके पर, ईद कयामतुल मसीह के मौके पर ये खास पैगाम है कि यसु ने मर कर लोगों को जिंदगी दी है। बहुत अच्छे, यानी मसीह खुदावन ने जिंदगी का पैगाम दिया, खुद मर के जिंदा होके और अबलीस पर फतह पाई। ये पादरी एमरिक जोसेफ साहब ने फरमाया, बहुत शुक्रिया सर। इसी सवाल को लेके हम कहते हैं गुजरांवाला से, पादरी इमैनुअल नईम साहब हैं जो इंचार्ज हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च के, तो उनकी तरफ मैं ये सवाल लेके जाऊंगा कि जो पाकिस्तानी मसीही हैं, ईस्टर उनकी जिंदगियों में क्या काम करता है, ये क्या मानी रखता है। तो पादरी साहब थोड़ा सा अपने बारे में बताते हुए इस सवाल की तरफ आए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका थोड़ा सा ऊंची बोल रहे भाई साहब, अगर आप ये अपने हेडफोन उतार ले तो शायद थोड़ा सा चेक करें इसे, क्योंकि आवाज काफी पैदा हो रही है और आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। हाँ, अब जरा बोले, अब आवाज ठीक हुई है? अब बेहतर है, अब बहुत बेहतर है, अब सब ठीक है। थैंक यू। चले इसके ऑपरेशन खुदा शुक्रगुजारी करता हूँ। और आफ्ताब मुगल साहब, आपकी शुक्रगुजारी, आपने मदद किया मनावटी कंसर्न के लिए। दुआएं हैं कि खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और मैं आज बड़ा खुश हूँ क्योंकि मेरे सीनियर्स पादरी अमृत जोसेफ साहब, पादरी तारिक वारिस साहब मौजूद हैं और उनके साथ मिलकर आज का प्रोग्राम कर रहा हूं। और ये इश्यू जिस पर आप बात कर रहे हैं, आज हम सब मिलकर बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के हवाले से और पूरी दुनिया के हवाले से जैसे पहले बात की गई है, बड़ा जरूरी है। जैसे कि हालात पाकिस्तान के हैं और जिस तरह मुआशी बदहाली है, पोलिटिकल अनसर्टेनिटी है, बहुत सारे मिसाइल हैं। और अगर मैं अपने चर्च की, क्राइस्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च चंदा किला की बात करूं, तो एक साइड पर रिमोट एरिया में है जहां पर लोग गरीब हैं, फैक्ट्री वर्कर्स मोस्टली। तो जो पहले था उनकी जिंदगी, जब फैक्ट्रीज में काम था, बिजनेस था, तो फिर एक फर्क सिनेरियो था। क्योंकि मैं जरा थोड़ा सा महदूद और फिर मैं पाकिस्तान की तरफ आऊंगा तो उस पर बात करूंगा। तो उसमें लोग पहले बड़ा पुरजोश तरीके से खिदमत कर रहे थे, ईस्टर को भी मनाना, त्योहारों को मनाना। लेकिन अब जो मसाइल यहाँ पर हुए हैं वो मुआशी हालात हैं, माली अबतरी है, उसकी वजह से काफी मुश्किल है लोगों के लिए कि वो जो ईस्टर का त्यौहार या कोई भी उसको मना सके। लेकिन जब हम अंजील मुकद्दस की तरफ आते हैं, जब सलीब के पैगाम की तरफ आएंगे, तो फिर तो हमारे सामने उम्मीद है। हालात कैसे ही हों, चाहे मुआशी अबतरी हो, बदहाली हो, पोलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, क्लैशेस हो, कोई भी मसाइल हो, तो इसमें जो हमारे लिए सबसे अहम और जरूरी बात है वो कलामे मुकद्दस का पैगाम है, और वो है स्लीप का पैगाम। ये उम्मीद का पैगाम है, ये फतह का पैगाम है बहुत सारे लोगों के लिए स्लीप का। जैसे कलामे मुकद्दस में बड़ा वाजिया तौर पर लिखा है कि क्योंकि स्लीप का पैगाम हलाक होने वालों के लिए नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत। तो सलीब ही को हम अगर देख लेते हैं, जैसे पादरी अमरिक साहब ने कब्र पर बात की कि कब्र खाली है, कब्र से ही आगाज होता है, तो उससे पहले अगर हम सलीब को देखें तो पहले ये लानत की अलामत थी और जो भी सलीब पर लटकाया जाता उसे लानती कहा जाता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जात में जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर आते हैं तो ये जो लानती सलीब है ये फतह की अलामत बन जाती है। ये जो स्लीब है ये इज्जत और पाकीज़गी की अलामत बन जाती है और ये मसीहत में एक बहुत बड़ा निशान बन जाती है, जो उम्मीद भी है, जो फतह भी है, जो खुदा के साथ सुलह का नाम है। तो मैं
आज इस वक्त पर इस सवाल का जवाब देते हुए यही कहूंगा कि हालात हमारे जैसे भी हैं, और जब हम खुदा यीशु मसीह की जो फतामंद सलीब है, सलीब पर फतह पाई और हर एक अपने मंसूबे को जो खुदा की तरफ से था उसको पूरा किया, और उसके बाद कब्र खाली और मौत पर फतह पाई, मौत के डंक को खत्म किया, जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो हमारे सामने एक ही बात आ जाती है, और वो क्या है कि हर हाल में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करना, उम्मीद रखना। और मैं आज इस वक्त पर यही पाकिस्तान के लिए बिलखसूस और बिलउमूम पूरी दुनिया में जितने लोग हैं जो कसर कुर्सी की हालत में हैं, जो मसाइल में हैं, किसी भी तरह के वो दुश्वारियों में हैं, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जहां मेरे यीशु आ जाता है वहां हालात बदल जाते हैं, जहां खुदा यीशु मसीह आ जाते हैं वहां जिंदगियां बदल जाती हैं, जहां खुदा यीशु मसीह आ जाते हैं वहां ना उम्मीदी उम्मीद में बदल जाती है, जहां खुदा यीशु मसीह आ जाते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ इत्मीनान आ जाता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह हमें अपना इत्मीनान देते हैं। तो आज जो जो ईस्टर का पैगाम है, जो ईद क़यामतुल मसीह का पैगाम है, वो यही है कि हमने हर हाल में चाहे हालात कैसे ही हो, कठिन ही क्यों ना हो, हमारी नजरें जो ईमान का बानी और कामल करने वाले यीशु हैं, जिन्होंने मौत और कब्र पर फतह पाई है, जिन्होंने हमारा बाप के साथ जो मिलाप करवाया है, सुलह करवाई है, अपनी नजरें हमेशा अपने खुदा पर रखनी है। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पादरी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत तशरीह की इस हवाले से, ईस्टर के हवाले से और ईस्टर के पैगाम के हवाले से। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ, और एक सवाल मेरे जहन में आया है, मैं वो चाहता हूँ आप तीनों जो हमारे मजहबी रहनुमा है उनके सामने रखूं, और ये जरूरत भी है बहुत बड़ी। हमने ये बताया है कि किस तरह ईस्टर का जो पैगाम है वो फतह का पैगाम है और वो उम्मीद का पैगाम है, और इस तरह हमें यानी इस सलीबी मौत के हवाले से हमें बताया जाता है कि हमें किसी भी हालत में मायूस नहीं होना, उम्मीद का दामन थामे रखना है। सर मेरा सवाल ये है, मैं पादरी तारिक वारिस साहब की तरफ जाता हूँ, कि हम आम तौर पे हमने देखा है कि जो मसीही अवाम है, अभी बदहाली का भी जिक्र हुआ है, अभी माली परेशानियों का भी जिक्र हुआ है, और जिस तरह हमारी जो कौम है पाकिस्तान में वो किस तरह अपने पेट को पालने के लिए किस तरह स्ट्रगल और मुसीबतों से गुजरती है, और कुछ तासुब भी कार फरमा है, तो हमने मसीह की जिंदगी को अगर देखें पादरी साहब, तो खुदावंद मसीह ने तो जब वो पैगाम देते थे अपनी निजात का पैगाम, तो उस वक्त वो अपने लोगों के खाने पीने का भी ख्याल रखते थे, जैसा बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन एक बहुत मशहूर मिसाल है 5 रोटी और 2 मछलियों की, कि उन्होंने पूरी भीड़ को कलाम सुनाने के बाद ये नहीं कहा अब जाओ घरों में और जाके तो खाना वाना खाओ, तो उन्होंने अपने अवाम को, उन्होंने कहा अपने शागिर्दों को नहीं इन्हें बैठे रहने दो, और जिस तरह जो भी मौजाना तौर पे सबको खाना भी खिलाया सब। मैं सर जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे जो काबिल एहतराम मजहबी रहनुमा है, क्या आप समझते हैं कि ये भी कोई तरीका होना चाहिए कि, तो या इस जिमन में कोई आपके जहनों में कोई तजवीज है या कभी इस पे अमल हुआ है? तो जी पादरी साहब, पादरी तारिक वारिस साहब। हाँ जी, इसमें नईम साहब आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ें ना उसकी टोटैलिटी में, तो सिन या ईवल, गुनाह या बदी जो है, हम उसकी जो उसको डिफाइन करते हैं सिर्फ पर्सनल मॉरल टर्म्स में ना, कि मैंने जो है झूठ बोला है, मैंने आज दुआ नहीं की, मैं जो हूँ खुदा के नाफरमानी कर रहा हूँ, इस तरह की चीजों में, ये भी गुनाह है नो डाउट बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, लेकिन ये है पर्सनल सिन। फिर एक लेकिन एक और कैटेगरी है जो बाइबल मुकद्दस में है, उसको हम कहते हैं कि सोशल सिंस, सामाजिक गुनाह,
जिसमें मुआशरे के लोग जो हैं इज्तमाई तौर पर मखसूस गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं। मसलन पाकिस्तानी समाज में रिश्वत एक समाजी गुनाह है, जहेज जहां पर मजबूरी के तहत दिया जाता है कर्जे उठाकर, वो एक समाजी गुनाह और लानत में आता है। कूड़ा क्रिकेट और गंदगी जो हम इस मुल्क में फैलाते हैं वो एक समाजी गुनाह है। भीख का जो कल्चर है, अच्छा फिर एक तीसरा गुनाह है स्ट्रक्चरल सिन या सिस्टेमिक सिन्स भी उन्हें हम कहते हैं, जिसमें निजाम के गुनाह होते हैं रियासती सतह पर, आईनी और हकूमती सतह पर। तो आपका जो सवाल है ये सोशल और स्ट्रक्चरल इश्यूज की तरफ इशारा कर रहा है कि कम्युनिटी की स्पिरिचुअल जो है ग्रोथ के साथ साथ, रूहानी तरक्की के साथ साथ उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, ताकि वो गुर्बत से निकलें, अफलास से आजाद हों। तो उसमें मैं ये कहूंगा कि खुदावंद यसु मसीह के मिशन में इवेंजलिज्म एंड सोशल एक्शन, खुदा की खुशखबरी की मुनादी और समाजी खिदमत दोनों शामिल थे। आपने लूका की इंजील में फरमाया चौथे बाब में कि खुदावंद का रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है। तो फिर आप आगे बयान करते हैं कि कैदियों को रिहाई देने के लिए, जो है अंधों को बिनाई देने के लिए, कुचले हुओं को आजाद करने के लिए, और आगे फर्दर कैटेगरीज है। तो वो एक्चुअली पूरी लूका की इंजील पढ़ें तो उसमें वो रूहानी तौर पर नबीना, गरीब, कैदी और खस्ता हाल लोग शामिल हैं, और समाजी तौर पर जो है खस्ता हाल लोग भी शामिल हैं। और जैसा आपने खुद वो बयान किया, तो इसमें मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हमें जिस बात की जरूरत है वो है कि हम रूहानी बेदारी के साथ साथ तीन काम हैं जिनकी तरफ अपनी मुनादी और अपने सोशल प्रोजेक्ट्स के जरिए से अपने लोगों को लेकर आए। नंबर एक है एजुकेशन, तालीम, और उसमें भी मैं कहूंगा कि हायर एजुकेशन, आला तालीम की तरफ अपने बच्चों बच्चियों को लेकर आए। अपनी कलीसियाओं में, अपनी मिनिस्ट्रीज में, अपनी एनजीओज में हम जो है ना तालीम को फरोग देने वाले प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें। अच्छा, और नंबर दो है बिजनेस इनिशिएटिव्स। पाकिस्तान देखे, हर इंसान को ना खुदा ने तालीमी जहन नहीं दिया होता, और दुनिया में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन आज पैदा हो रहे हैं और हुए हैं, उन्होंने कहीं ने यूनिवर्सिटी डिग्रियां ही नहीं मुकम्मल की, वो छोड़ देते हैं, वो कहते हैं यार हमारा किताबों में नहीं दिल लगता। तो हमें अपने बेटों को बेटियों को अगर उनका तालीम की तरफ रुझान नहीं है, बिजनेस की तरफ हम उनको जो है ना वो करें, रागिब करें। और तीसरा है स्किल्स, के जिनको खुदा ने क्रिएटिव गिफ्ट्स दिए हैं वो जो है ना ऐसे स्किल्स, खासतौर पर आजकल जिस तरह आईटी के स्किल्स हैं, और उसकी डिटेल में नहीं मैं जाऊंगा, वक्त कम है। तो एजुकेशन, बिजनेस और स्किल्स लर्निंग जो है ना, इससे हम रूहानी तरक्की और बेदारी के साथ साथ जो है समाजी में बेहबूद को भी सरंजाम दे सकते हैं। और मैं यहाँ ये कहना जरूर चाहूंगा आखिर में कि हमें खुदा की वफादारी से पैरवी और समाजी तरक्की में से किसी एक का चुनाव नहीं करना। मत्ती रसूल की इंजील के बाब नंबर 23 में खुदावंद ने एक फर्क कॉन्टेक्स्ट में कहा कि लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। यानी हम वफादारी से खुदावंद की पैरवी करें, ईस्टर का जो फतह और उम्मीद का पैगाम है उसको अपनी रूहानी खानदानी जिंदगियों में लें, और साथ ही अपनी तालीम, कारोबार, करियर और स्किल्स डेवलपमेंट में भी उसको जी बहुत शुक्रिया सर। तो ये एजुकेशन और स्किल्स और बिजनेस, इन कामों की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए, ये आपका पैगाम है। मैं अब गुजारिश करूंगा पादरी एमरिक जोसेफ साहब से, सर इसी सवाल को लेके, क्या हमारे जो रूहानी रहनुमा है कलर्जी, क्या उनके पास रूहानी जो पैगाम हम देते हैं या सुनते हैं, जैसे आपने बड़ा अच्छा पैगाम मसीह खुदावंद के ईस्टर के हवाले से बताया, तो क्या लोगों को जो अफलास में फंसे हुए हैं, गुर्बत में फंसे हुए हैं, भूख के सताए हुए हैं, क्या उनके लिए भी कुछ
को प्रोग्राम है हमारे क्लर्जी के पास या हमारे रूहानी रहनुमाओं के पास? जरा इस पे थोड़ी सी ज़बूर 96 की आखिरी आयत है, उदे घर विच इज्जत दौलत पाक घर विच उदे नेकी ना लाना। एक तजर्बा आपको बताता हूं कि एक खानदान हमारे पास आया और उसने कहा कि हमारे पास हमारी माँ भूख से मर गई है, रात को रोटी माँ मांगती थी और नहीं थी, हम उसे रोटी नहीं दे सके। और दिसंबर से उन्होंने गिरजे में आना शुरू किया। वो कहते हैं हमारे घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती थी, हम कपड़े काट के भाड़ के जला के तो कई दफा रोटी पकाते थे, माँ भूख से मर गई। और कह रहे दिसंबर से हमने गिरजे में आना शुरू किया, उस दिन के बाद से हमारे घर में आटा शापरों में कोई नहीं आता। उस दिन के बाद से आमतौर पर चर्च को वो दास 20,000 रुपया महीने का देते हैं। उदे घर में इज्जत दौलत पाकर जब 5 रोटियां और 2 मछलियों की बात हम करते हैं तो विलियम मैकडॉनल्ड कहता है कि वो 10-12,000 लोग थे, औरतों और बच्चों के अलावा, औरतों और बच्चों को शामिल करके। तो आए वो यस्सु के पास थे, रोटियों ने यस्सु ने दी थी। अगर हम यस्सु के पास आते हैं ना तो रोटी वो आज भी देता है। जो हमारे लोग मुफलसी का शिकार है वो यस्सु के पास अगर आए, यस्सु के से मांगे, और 40 साल तक खुदा उन्हें बियाबान में खुदा उन्हें निकाल के लाया था बनी इसराइल कौम को 430 साल के बाद मुल्के मिस्र से, 40 साल खुदा ने उन्हें रोटी दी थी आसमान से, मन बरसाया था, 40 साल उन्हें वो देता रहा जो वो जो जो उनकी जरूरत थी, ना कपड़े पटे ना जूतियां टूटी, जैसे खुदा ने 40 साल इंतजाम किया और वैसे खुदा आज भी देता है। जी जी सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इसी सवाल को लेके हम पादरी इमैनुअल नईम साहब की तरफ में आता हूँ। तो पादरी साहब, आप क्या समझते हैं, मैं सवाल को फिर एक दफा दोहरा दूं, क्योंकि मैं सवाल मैंने कुछ और किया था और जवाब जो है वो कलाम से ही मिला हमें। मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे मजहबी रहनुमाओं के पास कोई प्लान है अपने अपने चर्चिज में भूख और अफलास को खत्म करने के लिए? मिसाल मैंने खुदावंद मसीह के वो 5 रोटी और 2 मछलियों वाली इसलिए दी थी कि खुदावंद ने बंदोबस्त किया था। क्या होना ना होना अलहदा बात है, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ बड़े अदब से कि क्या हमारे क्लर्जी के पास भी ऐसे कोई मंसूबे होते हैं कि वो किसी भूखे के लिए 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त कर दे या कोई इस तरह का और किसी को नौकरी के लिए वगैरह वगैरह? जी नहीं भाई, थैंक यू सो मच, बड़ा खूबसूरत सवाल है। पादरी अमित साहब ने उसका कलाम के हवाले से कि खुदा प्रोवाइडर है, लेकिन मैं जो एक्चुअल हकीकत है दुनिया में, जो पाकिस्तान में या हमारे अपने एरिया में, मेरे जैसे पादरी अमित साहब खुदा ने उनको शिफाया बरकत दी इसी तरह मेरे साथ, तो नहीं साहब मैं थोड़ा सा इसी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था कि लोगों को बस शिफा कलाम शिफा, लेकिन जो आप पॉइंट उठा रहे हैं कि लोग अफलास में, लोग गुर्बत में, लोगों के कैसे वो आगे बढ़े, तो फिर खुदा मुझे इस साइड पर लेकर आया कि जहां मैं रूहानी आबियारी उनकी करूं, वहां उसके साथ साथ उनको एजुकेशनली, उनको सोशली एजुकेट करना और आगे बढ़ाना बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए फिर जाती तौर पर मैं अपनी गवाही देना चाहूंगा कि उसके लिए मैं और मेरी बेगम, हम दोनों ने, क्योंकि गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से एमडिव किया, हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम अपनी क्लीसिया को, उन लोगों को जो गुर्बत में है, अफलास में, जिनको पता नहीं है, उनको हम कैसे गाइड करें। और जहां पर मैं खिदमत कर रहा हूँ क्राइस्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च में, वहां पर लोग गरीब हैं, वो अनपढ़ हैं, नौजवान 16 साल से ऊपर जितने भी हैं वो अनपढ़ हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, आवारा फिरते हैं, छोटे बच्चे 5वीं 6ठी क्लास में छोड़ देते हैं और वो मजदूरों के मजदूर ही पैदा हो रहे हैं, गुर्बत अफलास, छोटे छोटे घर घर हैं उनके। तो उसके लिए नईम साहब फिर हमने अपने घर को ही इस्तेमाल किया, अपने घर को खाली किया, और जहां मैं बैठा हुआ हूँ ये भी एक रूम है स्कूल का अपने घर के अंदर, तो हमने अपने लोगों को एजुकेशन देना शुरू की। अब ये बुनियाद है जहां पर हम लेकर चल रहे हैं, तो शुरू से बच्चों को लिया है और उनको तालीम दे रहे हैं। तालीम देने के साथ साथ हम सारे सेक्टर को कर रहे हैं, नौजवानों को तालीम दे रहे हैं, बड़ों को, वालदैन को हम तालीम दे रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की किस तरह से उनकी तालीम करनी, क्या उनको प्रोविजंस देनी है। जहां जैसे पादरी तारिक मरद साहब ने कहा कि लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ लेकर आना है, तो बीइंग पासवान,
मैं उस पर लोगों की कैरियर काउंसलिंग करता, नौजवानों को इस साइट पर लेकर आता, और जो खुदा वसाइल देता है, जहां खाने पीने की बात है तो अगर मैं खुद नहीं प्रोवाइड कर सकता तो मैं अपने दोस्तों को कहता हूं कि हमारी कलीसिया में या फला जगह पर ये वसाइल हैं, तो उसके लिए हमारी मुआवनत की जाए। तो लोग करते हैं। अभी जो स्कूल हुआ उसमें लोगों के पास किताबें लेने को पैसे नहीं थे, तो मैंने पादरी साहबान को अपने दोस्तों को कहा, तो जिन्होंने जितनी सपोर्ट कर सके वो हमने फ्री बुक्स दी, एजुकेशन का हमने किया। तो ये पासवान की जिंदगी में ये लाजमी है कि जहां वो रूहानी आबियारी करे, वो उनकी माली मुआशी और तालीमी जो है वो हर तरह की तालीम, चाहे वो वोकेशनल है चाहे वो फॉर्मल है, उसके लिए काम करना है। और वो खुदा ने पूरा एक मनसूबा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी वजाहत से आपने अपने उस प्लान के बारे में बताया, और ये भी बताया कि ये रहनुमा जो हमारे रूहानी रहनुमा है, ये उनको इस तरफ भी ख्याल करना चाहिए कि वो थोड़ा सा दूसरे जो मामलात हैं उनकी तरफ भी गौर करें कि किस तरह, जरूरी नहीं कि पास्टर साहब के पास वसाइल हो तो लाजमी अपनी जेब से करें, नहीं, हमारे पास्टर भी इतने अमीर नहीं है, लेकिन सोचना चाहिए, कुछ राहें तलाश करनी चाहिए। हम अपने आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। पादरी तारिक वारिस साहब, सर ईस्टर का पाकिस्तानी मसीहों के लिए पैगाम क्या है आपके पास? मैं देखें, हाँ मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा जो आपने पूछी। ईस्टर का जो पैगाम है पाकिस्तानी मसीहों के लिए, वो बयक वक्त रूहानी और समाजी उम्मीद, फला, तरक्की और फतह का पैगाम है। बाइबल मुकद्दस में 9 मौकों पर मुर्दों के जिंदा किए जाने का जिक्र है। एलिया नबी, लीशा नबी, खुदावंद यसु मसीह, फिर उनके रसूलों ने और फिर पौलुस रसूल ने मुर्दे जिंदा किए, लेकिन वो सब मुर्दे जिंदा किए जाने के बाद मर गए। खुदावंद यसु मसीह वाहिद जात है जो जब मुर्दों में से जिंदा किया गया तो फिर कभी ना मरने के लिए जिंदा हुआ। तो उसकी जो उसका जो जी उठना है, ये हमें पैगाम देता है कि गुनाह का जो कफारा खुदावंद ने दिया वो काम मुकम्मल हुआ। इंसान के लिए एक नए सिरे से पैदा होने की राह दोबारा खुल गई। ये भी साबित हो गया कि खुदावंद यसु ही नजात दहिंदा है और गुनाह पर गालिब आया है। अगर वो कब्र में पड़ा रहता तो वो खुद ही गुनाहगार ठहरता। एक न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर है एंटी राइट, उनके मुताबिक 12 के करीब लोगों ने, ये ब्रिटिश न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर है, खुदावंद यसु मसीह के आने से पहले और बाद ये दावा किया कि दे आर गॉड्स मसाया, वो खुदा का मसीह मौद है। मगर वो जब मर गए तो सब अपनी अपनी कब्रों में पड़े रहे, सिर्फ जो है खुदावंद यसु मसीह मुर्दों में से वापिस आए। तो ये जो सारी बातें हैं, ये हमें यही चैलेंज और जो है उम्मीद देती हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। खुदा ने यसु मसीह को हमारे नजात दहिंदा के तौर पर इस दुनिया में भेजा। खुदावंद यसु मसीह के वसीले से हमारे गुनाहों की माफी का इंतजाम और कफारे का काम मुकम्मल हुआ। हमारे लिए नई इंसानियत का खुदा के साथ रिश्ते में दाखिल होने का दरवाजा खुल गया है, और जिंदगी के तमाम रूहानी, समाजी और दीगर मामलात में हमारे पास फतह और जिंदा उम्मीद खुदावंद यसु मसीह के जिंदा होने की सूरत में और पाक रूह के बख्शे जाने की सूरत में मौजूद है। सो मसीह की मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत से चिमटे रहे। जी जी, मसीह की जो जिंदा होने की कुदरत है उस पे ईमान लाएं, और ये निजात और फतह का पैगाम है हमारे लिए, तमाम मसीहों के लिए। पादरी एमरिक जोसेफ साहब, आपकी तरफ में इसी सवाल को लेके आता हूँ कि ईस्टर का पैगाम क्या है पाकिस्तानी मसीहों के लिए आपके पास? दुनिया में सबसे बड़ा खौफ मौत का है। दुनिया में
सबसे बड़ी बीमारी भी मौत है, दुनिया में सबसे ज्यादा खौफ मौत का है, और यीशु ने ईस्टर वाले दिन मौत पर फतह पाई थी। यीशु ने तसल्ली दी थी जो लोग मौत से डरते थे, जो मौत से घबराते थे। और मैं जब आमतौर पर पैगाम सुनाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मसीहों का सिर्फ एड्रेस बदलता है, जिस दिन वो मरते हैं उनका एड्रेस बदलता है, बाकी रहते वो जिंदा ही हैं। यीशु जिंदगी देने के लिए आया था, आज वो जमीन के शहरी थे और जब मर गए हैं चंद घंटे पहले वो आसमान के शहरी हो गए। यीशु ने आखिरी दफा जाते यीशु ने जो आसमान पर जाने से पहले वादा किया था ना, वो ये था मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। यीशु के आसमान पर जाने का बड़ा मकसद ये था कि अब वो हमारे लिए आसमान पर जगह तैयार करने के लिए गया है। इसलिए ईस्टर जो है, जो ईद क़यामतुल मसीह है, ये मौत के खौफ को दूर करता है, ये हमेशा की जिंदगी का वादा हमारे साथ दोहराता है। ये हमेशा की जिंदगी का पैगाम है, क्योंकि हमारे खुदावंद मसीह ने साबित किया और वो कब्र पे उन्होंने फतह पाई, मौत पे फतह पाई। इसलिए मसीहों को उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। पादरी इमैनुअल नईम साहब, मैं इसी सवाल को लेके आपकी तरफ आता हूँ। आप बयान फरमाएं कि मसीहों के लिए जो ईस्टर का पैगाम है वो क्या है, इसके बाद हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम में इससे की तरफ जाएंगे, और इस पैगाम के बाद आफताब साहब आपकी तरफ। नहीं वाह साहब, थैंक यू। जैसे मेरे सीनियर्स ने कहा कि खुदा यीशु मसीह का बेशक जी उठना मुर्दों पर में से जी उठना, मौत पर फतह पाना बहुत बड़ा पैगाम है। और अगर हम खुदा यीशु मसीह की इस फतह को देखते हैं, और जैसे खौफ की बात हुई है, तो लोग गुनाह की वजह से खुदा के अजाब से डरते थे, और वही अजाब से बचने के लिए, गुनाहों की माफी के लिए पुराने अहदनामा में, मूसवी शरीयत में कुर्बानियों का एक सिलसिला है। और कहा जाता है कलाम मुकद्दस में वाज़ह तौर पर यह तालीम देता है कि जितनी भी पुराने अहदनामे की कुर्बानियां हैं वो एक खास वक्त के लिए थी, महदूद मुद्दत के लिए थी, और वो खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी का अक्स थी। जब खुदा यीशु मसीह कामल इंसान और कामल खुदा बनकर दुनिया में आते हैं, इंसानी लबादा उड़ते हैं, खुदा के इस मनसूबे को जो आलमगीर कफारे का है, जो इस फिदिये का है, उसके लिए वो अपने आप को देते हैं, तो खुदा यीशु मसीह की जो कुर्बानी कामल इंसान होते हुए देते हैं, तो वो पूरी दुनिया के लिए, जैसे मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है। तो खुदा यीशु मसीह ने उस कुर्बानियों के सिलसिले को खत्म किया, आरजी कुर्बानियां खत्म की, आलमगीर कुफारा पेश कर दिया, और हमें खुदा के बेटे और बेटियां बना दिया, हम शाही कायनों का फिरका बने। अब जो हमारे लिए खूबसूरत पैगाम है, जो मैं मसीहों को देना चाहता हूं, कि हम पाकिस्तान में रहते हुए अभी भी जो लोग हमें कहते हैं कि हम हमसे तौसब किया जाता है, हमारे साथ नारवा सलूक किया जाता है, हमारे लोगों को जो वो काम करते हैं, जो बहुत सारे लोग म्यूनिसिपैलिटी में, उस पर बातचीत की जाती है, तो लोगों को चौथे पांचवें छठे दर्जे का शहरी गर्दाना जाता है, इंसान भी नहीं समझा जाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो जॉब आप जो भी करते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, वो निकल जाएंगे उसमें से, लेकिन एक बात सामने रखिए, हम कोई वो लफ्ज वो लोग नहीं है जो लोग हमें कहते हैं, हम तो शाही कायनों का फिरका है, हम तो खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत की बदौलत, उसके जी उठने की बदौलत, उसके इस सारी चीजों पर पता पाने की बदौलत, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। अब हमारा रुतबा बड़ा आला है, हम खुदा के बेटे और बेटियां होने की हैसियत से फखर से दुनिया में रहें, ईमान की जिंदगी गुजारें, और आंखों में आंखें डालकर बात करें उन लोगों के साथ जो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। और किसी ने कहा है कि मैंने उन लोगों को कामयाब होकर दिखाया है जो मुझे नाकाम दिखना चाहते थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह फतेहमंद है, हम फतेहमंद खुदा के फतेहमंद लोग हैं, वो हमारा खुदा है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, वो हमारा आसमानी बाप है। तो फख्र से जिए, फतेहमंद जिंदगी जिए, और पूरी उम्मीद और लगन के साथ जिए, खुदा हम सब मुहाफ़ज़त करे। आमीन। बहुत शुक्रिया। आमीन पादरी साहब, बहुत शुक्रिया। आफताब साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, तो आप मेहरबानी करके प्रोग्राम को इख्तिताम तक लेके जाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नईमबाज भाई। शुक्रिया से करने से पहले मैं सिर्फ अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि हमारे आज के जो तमाम मुकर्ररीन थे,
उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें ईस्टर का पैगाम जो है वो एक दफा फिर हमें रिमाइंड करवाया है। ये सिर्फ रोजों के बाद की ईद नहीं है और ये सिर्फ कुर्बानी की ईद नहीं है, ये कुर्बानी के बाद का अमल है, कुर्बानी के बाद एक उम्मीद की ईद है। मार्क टेली बहुत मारूफ बीबीसी का रिपोर्टर था जो जिसने बहुत साल पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम दी, उसने अपने रिटायरमेंट के बाद एक बहुत खूबसूरत किताब दी। उसने लिखा कि मुझे आज तक ये सवाल हर वक्त मेरे सामने रहता है कि क्यों प्रोसिक्यूशन के बावजूद, दबाव के बावजूद, इंतहाई मुश्किलात के बावजूद क्रिश्चियनिटी जो है वो 350 साल तक मौजूद रही, ना सिर्फ मौजूद रही बल्कि वो पनपी और बहुत से दूसरे इलाकों में उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी। तो ये सवाल वो कहता है कि मैं अपने आप से करता हूं कि क्यों। उसने कहा कि मुझे इसका शायद जवाब ये मिलता है कि यीशु मसीह जब स्लीप पर मौजूद थे उन्हें स्लीप चढ़ा दिया गया, उसके बाद वो जिंदा हुए, तो वो जो पूरा अमल है वो कहीं ना कहीं ऐसा मौजजाती अमल था जिसकी वजह से लोगों ने देखा कि ये एक आम इंसान नहीं है और वो उस पर ईमान लाए। और 350 साल कितनी नस्लें जो है वो उनमें से गुजरी होंगी, एक नस्ल नहीं जिन्होंने यीशु को स्लीप चढ़ते देखा था या मौजे देखे थे, बल्कि बेतहाशा नस्लें जिन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म सहा, प्रोसिक्यूशन सही, ना सिर्फ रियासत की तरफ से बल्कि समाजी तौर पर भी। वही हालात आज पाकिस्तानी कलीसिया के हैं, हम मुश्किलात का शिकार होते हैं लेकिन यीशु मसीह की कुर्बानी, उसका जी उठना हमारे लिए उम्मीद का पैगाम है। मुझे आखिर में शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम नाज़रीन का जो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे। मुझे शुक्रिया अदा करना है आज के तमाम मुअज्ज़ज़ अपने मुकर्ररीन का, जनाब रेवरेंड इमैनुअल नईम साहब का, पास्टर एमरिक जोसेफ साहब का और रेवरेंड तारिक बारिस साहब का, जिन्होंने इंतहाई खूबसूरती से हमें ये ईस्टर का पैगाम जो है वो हम तक पहुंचाया। मुझे आखिर में बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना है अपने दोस्त और भाई नईम वाइस साहब का जिन्होंने इंतहाई खूबसूरती से प्रोग्राम को चलाया। अगर प्रोग्राम आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा तो इसका तमाम सेहरा क्रेडिट गोज टू नईम वाइस साहब, और अगर इसमें कोई कोताही रही हो, कोई खामी रही हो तो उसकी तमाम जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। आखिर में मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखिए, शायद आपका एक छोटा सा अमल बहुत से इंसानों की जिंदगी में रोशनी भर दे। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे, खुदा हाफिज़।